फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको इस दो कलर से लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। और देखिए, उसके लिए हमने ये 11 नंबर सिलाई ली हुई है। आपको ये हम शुरू से ही बताएंगे कि किस तरह से हमने ड्रेस को बनाना है। मैं चोली से ही आपको बताऊंगी। देखिए, हमने इसमें इस तरह से ज़्यादा ऊन नहीं लगती है, इसमें बहुत ही कम ऊन में हो जाती है ये ड्रेस। तो चलिए, सबसे पहले चोली हम इस कलर से बनाएंगे और घेरे में हम वाइट कलर लगाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं आपको ड्रेस बताने जा रही हूँ, ये 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बता रही हूँ। ये मेरे को कमेंट आया था कि मैं 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बताऊं सिंपल तरीके से आपको। तो देखिए, 18 फंदे हम इसमें डालेंगे 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। और सिंपल ही हम फंदे डालेंगे इस तरह से, वो आपकी पसंद है। आप जिस तरह से आप इसमें फंदे डालना चाहती हैं, आप उस तरह से डाल सकती हैं। ये देखिए, तो चलिए हम ये 18 फंदे डाल लेते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें 18 फंदे डाल लिए हैं। और एक आध फंदा फालतू तो हो जाता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ये देखिए, 18 फंदे ही मैंने पर इसमें डाले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सिलाई इसी तरह बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको ये बताऊंगी, जहाँ जहाँ से मैं आपको ये बताऊंगी, उसी तरह बनाते हुए जाना है ड्रेस को। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। ये देखिए इस तरह से, अब ये उल्टी सिलाई भी हम इसी तरह बनाएंगे, पूरा इसको उल्टा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिलाई हो चुकी है, यानी कि दोनों तरफ से दो सिलाइयाँ ये मेरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद देखिए, हमने दो फंदे, ये देखिए, पहला फंदा हम, ये देखिए इस तरह से दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, दो फंदे उल्टे बनाए हमने। और ये यहाँ पे एक जाली बनाई, फिर धागा आगे करेंगे, दो जालियाँ बनाई, फिर से धागा आगे, तीन, फिर से धागा आगे, ये चार, चार जालियाँ हमने बना ली हैं। और ये देखिए, दो फंदे उल्टे और चार जाली के लिए, और छह फंदे हमने, ये देखिए, चार हमने जाली बना ली है, दो फंदे उल्टे बना करके, अब छह फंदे हमने सीधे बनाने पीठ के लिए। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, धागा अपनी तरफ, दूसरी बाजू के लिए जाली, एक, दो, तीन, चार, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से एक जाली हमने डाल दी है और उल्टी सिलाई हम, ये देखिए, इस तरह से पूरी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, जो बढ़ चुके हैं फंदे, उनको सबको
उल्टा बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। तो चलिए मैं ये सिलाई इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये तीसरी सिलाई पे हैं, दो जालियाँ हमने डाल दी हैं। तो देखिए इस तरह से दो फंदे उल्टे, पीछे धागा, दो फंदे सीधे बनाए। हर बार एक फंदा बढ़ेगा जितनी भी हम जालियाँ डालेंगे। इस तरह से दो फंदे सीधे बना करके धागा अपनी तरफ है, और देखिए एक जाली और ये दूसरी जाली। और देखिए ये जो हम फंदे घटाते हैं वो बाजू के फंदे, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ते हुए जा रहे हैं यहाँ पे बीच में। एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बढ़ चुके हैं। धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए, और पीठ वाले फंदे सारे सीधे बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह हम इसमें पांच जालियां डालेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ, दो जालियां डाल ली, और देखिए एक, दो, तीन, चार। दूसरी बाजू के लिए हमने बीच के फंदे चार ये सीधे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से, तो ये तीन जालियाँ डल चुकी हैं। उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बनाएंगे, और हम दो जालियाँ और इसमें इसी तरह डालेंगे जिस तरह से मैंने आपको ये बताया। तो देखिए ये तीसरी सिलाई पे हैं, दो जालियाँ हमने डाल दी हैं। तो देखिए इस तरह से दो फंदे उल्टे, पीछे धागा, दो फंदे सीधे बनाए। हर बार एक फंदा बढ़ेगा जितनी भी हम जालियाँ डालेंगे। इस तरह से दो फंदे सीधे बना करके धागा अपनी तरफ है, और देखिए एक जाली और ये दूसरी जाली। और देखिए ये जो हम फंदे घटाते हैं वो बाजू के फंदे, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ते हुए जा रहे हैं यहाँ पे बीच में। एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बढ़ चुके हैं। धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे। ये देखिए, और पीठ वाले फंदे सारे सीधे बनाते हुए जाएंगे। इसी तरह हम इसमें पांच जालियां डालेंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ, दो जालियां डाल ली, और देखिए एक, दो, तीन, चार। दूसरी बाजू के लिए हमने बीच के फंदे चार ये सीधे बना लिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से, तो ये तीन जालियाँ डल चुकी हैं। उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बनाएंगे, और हम दो जालियाँ और इसमें इसी तरह डालेंगे जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है। जालियाँ हमने इसी तरह डालते हुए जाना है। ये देखिए, तो चलिए मैं इसमें दो जालियाँ और इसी तरह डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें पांच जालियाँ डाल दी हैं। ये देखिए, ये देखिए एक, दो, तीन, चार, और ये देखिए पांच में पांच जालियाँ डाल दी हैं। और हमने ये पांच सिलाइयाँ बना ली हैं, यानी कि दोनों तरफ से 10 सिलाइयाँ
जाली वाली हो गई है हमारी। अब ये देखिए, हम यहाँ से, ये देखिए ध्यान से देखिए आप, यहाँ से हम उल्टी तरफ हैं, ये देखिए इसकी हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ से हमने देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये देखिए कंधे के लिए मैंने 8 फंदे ये बना लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम बाजू को घटाएंगे तो देखिए इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये देखिए दूसरी जाली तक मैंने 11 फंदे, ये देखिए 11 फंदे मैंने बाजू के लिए घटा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, इस जाली से दूसरी जाली तक हमने फंदे 11 फंदे कम कर दिए हैं बाजू के लिए। अब ये देखिए यहाँ से हम पीठ वाले फंदे बना लेंगे सीध, ये देखिए इस तरह से उल्टे सारे, और दूसरी बाजू के लिए भी हम इसी तरह घटाएंगे। ये देखिए मैंने पीठ वाले फंदे इस तरह से बना लिए हैं उल्टे सारे, ये देखिए ये देखिए। अब यहाँ से हम जाली तक आ गए हैं और इस जाली तक हमने फंदे बंद करने हैं फिर से, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और ये देखिए 11, 11 फंदे हमने ये देखिए इस तरह से बंद कर लिए हैं। अब 8 फंदे हम ये बना लेंगे, तो देखिए हम 8 फंदे कंधे के लिए बनाएंगे ये फिर से, जिस तरह से हमने ये बनाए हुए हैं। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए इस तरह से ये बाजू घटाई हैं हमने। और हम सीधी तरफ से देखिए इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाते हुए ये देखिए पीछे धागा करेंगे और पूरी सिलाई हमने सीधी बनानी है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बाजू को इसी में जॉइंट कर दिया है और पूरी सिलाई हम सीधी बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पीठ वाले फंदे और कंधे के फंदे हम एक में ही जॉइंट कर देंगे, ये देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, ये देखिए इस तरह से बाजू घटाने के बाद में एक सिलाई सीधी बना ली है और उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बनाएंगे। और सीधी सिलाई पे फिर से हम आपको दिखाते हैं,
देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी हो चुकी है, ये देखिए। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हम फिर से एक सिलाई और सीधी बनाएंगे, दो फंदे उल्टे, ये देखिए। बाजू को जॉइंट करने के बाद में हमने फिर से एक और सिलाई सीधी बना रहे हैं, ये देखिए ये सीधी सिलाई बनाएंगे और एक उल्टी सिलाई बनाएंगे हम। तो इस तरह से ये हमारी चोली बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसका घेरा हम इसी में बनाएंगे। चलिए इस सिलाई को सीधी बना करके उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर से सीधी सिलाई पे दिखाते हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई इस तरह से, ये देखिए बाजू घटाने के बाद में हमने दो सिलाइयाँ बनाई हैं सीधी, यानी कि दोनों तरफ से मेरी ये चार सिलाइयाँ हो गई हैं बाजू बंद करने के बाद में। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हम यहाँ से इसमें एक सिलाई पूरी उल्टी बना देंगे, ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे। इसके बाद ये चोली बनके पूरी कंप्लीट हो गई है। उल्टी सिलाई बनाने के बाद में हमने नीचे का अब इसका घेरा बनाना है, ये देखिए इस तरह से ये चोली बनके कंप्लीट है पूरी। इसी में हम आपको इसका घेरा बताएंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई बना लेते फिर दिखाते। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी पूरी चोली बनके कंप्लीट है। अब इसका घेरा जो हम बताएंगे वो आपको अगली वीडियो में यहीं से आपको घेरा बताएंगे इसका। तो देखिए मैंने ये चोली को बना लिया है इस तरह से, फंदे मैंने यहाँ पे बंद नहीं किए हैं। इसी में आपको मैं इसका अगली वीडियो में घेरा बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से ये चोली बनके कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। तो चलिए मैं अगली वीडियो में इसका घेरा बताऊंगी आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल की चोली आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।